हेलो गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ खबर आउट में। महिला डॉक्टर के बाथरूम से बरामद हुआ खुफिया कैमरा बल्ब लाइट में था फिट। चलिए हम आपको बताते हैं पूरी लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप भी कहीं जाते हैं तो ऑफकोर्स आपके घर की महिलाएं या अगर आप महिला हैं तो आप लोग इस चीज को जरूर चेक करते होंगे कि वहां पर कोई खुफिया कैमरा है या नहीं है। अगर आप लोग घर के अंदर भी सेफ ना रहे तो आप लोगों की घबरा का कारण तो बनता जरूर है। आज ये मामला हमारे सामने खुफिया कैमरा और महिला को लेके आया है। ये जो पूरा मामला महाराष्ट्र के पूना से आ रहा है, जहां पर एक महिला ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसके घर में खुफिया कैमरे लगे हुए हैं, उसके बेडरूम में और उसके बाथरूम में, जिसके कारण वहां की पुलिस जो है वो जल्द से जल्द एक्टिव हुई और एक्टिव होने के बाद उनके घर पे गई और घर पे जाने के बाद वहां पर खुफिया कैमरे जो है वो निकाले गए। बताया जा रहा है कि वहां के जो कि कमिश्नर राहुल पाटिल है, उन्होंने ये केस जो है वो अपने हाथ में लिया है और उस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। महिला जो है डॉक्टर महिला अपनी एक कुलीग के साथ घर में रहा करती थी। इस दौरान ही उनके घर में भी काफी सारे लोगों का आना जाना था। इसी बीच में उनकी नजर जो है अपने बेडरूम में और अपने बाथरूम में लाइट में पड़ी, बल्ब में पड़ी, जो कि बल्ब काफी ज्यादा नीचे से अजीब दिखाई दे रहा था। बल्ब जब निकाल के और खोल के देखा तब वहां पर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उनको पता चला कि उनके बाथरूम और उनके बेडरूम में जो है वो खुफिया कैमरे लगे हुए हैं, जिसके कारण उन्होंने जल्द से जल्द वहां के नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसके बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाई और महिलाओं का और हाई लेवल का केस होते हुए वहां के जो कि कमिश्नर राहुल पाटिल है, उन्होंने इस केस को हैंडल करने का उनको आश्वासन दिया है और बताया है कि जो लोग उनके घर पे आते जाते हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा भी केस है और महिलाओं की सेफ्टी घर के अंदर भी नहीं है, तो इसीलिए हम जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व जरूर करेंगे। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत। नमस्कार।